गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धनलंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। प्यारी सत्संगत जी, हमारे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से प्रेरणा लेकर टीचर्स डे की शुरुआत हुई। तो ये हमारा देश महान है, यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो शिक्षक दिवस जो है ये मनाया ही जाता है। शिक्षक का सम्मान है ये, टीचर्स का सम्मान, रिस्पेक्ट। और हम सभी अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हम स्कूल कॉलेज में गए हों तो वहाँ पर हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, ज्ञान दिया, स्कूली जो किताबी ज्ञान था, जो प्राथमिक प्राइमरी शिक्षाएँ थी, उसके बाद फिर मिडिल, फिर कॉलेज, इस तरह हमें बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है। तो हर टीचर का शुक्रिया, हर टीचर का धन्यवाद जिन्होंने हमें कुछ भी पढ़ाया। और कहीं से भी ज्ञान मिला, कहीं से भी ज्ञान मिल जाए, जो भी ज्ञान दे वो ही हमारा टीचर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस जीवन में, जीवन को सही गाइड देने वाला सबसे बड़ा सद्गुरु होता है। और सद्गुरु उससे बड़ा टीचर और कोई नहीं होता है। सतगुरु सबसे बड़े टीचर होते हैं, जो सत्य के साथ जोड़ते हैं, निरंकार के साथ जोड़ते हैं। तो सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु भी हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे जीवन को जीवंत करते हैं, सही मायने में हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाते हैं, एक हमारे होते हैं पथ प्रदर्शक। सतगुरु जीवन शिक्षक हमारे सद्गुरु होते हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं, जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। तो शिक्षक गुरु का दर्जा सबसे अव्वल होता है, और शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र के निर्माता होते हैं। और हर इंसान जहाँ से भी कोई भी सीख मिल जाए वो हमारा शिक्षक होता है। शिक्षा तो कई प्रकार की होती है, शिक्षाएँ अनंत हैं। किसी प्रकार की कोई भी शिक्षक कहीं से मिल जाए ले जाना चाहिए, और जो शिक्षक है वो शिक्षक है। तो हर शिष्य को, जो भी शिष्य होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहिए, अपने टीचर को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। तो दास ने सोचा कि भाई हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं, अपने सदगुरु को हम क्या दे सकते हैं, दुनिया का मालिक है, हम इनको क्या देंगे, हमारे पास है क्या, सब तो इनका दिया हुआ है, सब तो निरंकार गुरु ने हमें दिया है, हम इनको क्या देंगे। तो दास के मन में ख्याल आया कि अगर हम गुरु को कुछ देना चाहते हैं ना, शिक्षक दिवस पे, टीचर डे पे अगर हम गुरु दक्षिणा कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये हमारा समर्पण, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है समर्पण। शिक्षक के बताए हुए, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज, देश और विश्व का कल्याण करना, सबका भला सोचना और करना, अपने आप को सुधारना। तो शिक्षक दिवस के दिन दास से कोशिश करेगा कि दास में जो कमियां हैं उसे अगर हम दूर कर लेंगे तो ये हमारा एक समर्पण हो जाएगा, ये हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, अपनी कमियों को दूर करना, अपने कर्मों की ओर ध्यान देना कि गुरुमत के मुताबिक हमारे कर्म हैं कि नहीं है। तो गुरु को तो हम मानते हैं, लेकिन गुरु की भी माननी पड़ेगी। अगर हम टीचर डे मना रहे हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो शिक्षक की शिक्षाओं से हमें लेना है प्रेरणा। शिक्षक ने हमें क्या सिखाया है, सबसे बड़े शिक्षक तो हमारे सदगुरु हैं, तो सदगुरु जी ने हमें क्या सिखाया है, हम सदगुरु जी के सेवक हैं, शिष्य हैं, तो हमने उनकी बात कितना माना है। अगर उनकी बात को माना है तो मुबारक है, और अगर नहीं माना है तो आज जो टीचर डे है, आज शिक्षक दिवस है, आज हम डिसाइड कर लें, खुद से वादा करें, मन में इरादा करें, ठान लें कि आज के बाद हम अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा ही करेंगे, ये वादा खुद से करना है। और फिर फूंक फूंक कर कदम भी रखना है कि मैं गुरुमत पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अगर चल रहे हैं
ठीक है, नहीं चल पाए तो फिर से कोशिश करना है, गुरमत पे चलने की कोशिश करना है। अगर हम गुरमत पे चल गए, खुद को समर्पित कर दिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ही होगी। अगर हम गुरु को कुछ देना चाहते हैं तो अपने आप को ही दे दें, खुद को ही दे दें कि गुरुदेव अब ये जीवन आपका है, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए, गुरु के हवाले हो जाना, समर्पण कर देना, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना। और हर शिष्य का फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने गुरु को कुछ न कुछ देना चाहिए, और सबसे बड़ा है समर्पण। तो समर्पित जीवन जीना चाहिए, खुद को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण ही भक्ति है, गुरु भक्ति। तो टीचर डे पे यही दास के मन में जो आज ख्याल आया कि सभी से कुछ बातें आज साझा किया जाए, तो ये सारा देश, हर स्कूल में टीचर डे मनाया जाएगा, पूरे देश में आज सभी अपने स्कूल कॉलेज में टीचर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो दास ने भी सोचा कि दास क्या दे, दास के पास तो कुछ भी है ही नहीं, निर्बल का बलराम, निर्धन का धन राम, ये तो राम ही सब कुछ है। तो दास ने सोचा कि बाबा जी, दास को शक्ति देना कि आपके वचनों पे चल पाए, क्योंकि तो बाबा हरदेव दास के रोम में बसे हुए हैं। मेरे मन में है एक राम बाबा हरदेव जिनका नाम, इनके चरणों को मैं चूमूं हर पल सुबह और शाम, क्योंकि सुबह शाम बाबा जी ही बिल्कुल हर पल याद आते हैं, बाबा हरदेव, बाबा हरदेव, बाबा हरदेव का दीवाना है। तो बाबा जी की जो टीचिंग थी 36 साल की, बाबा जी ने हमें सिखाया रन फॉर वननेस, भागो एकत्व के लिए, भागो अमन शांति के लिए काम करो, यदि अमन और शांति नहीं की मांगे तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। तो बाबा जी ने बहुत कुछ सिखाया, बस हम बाबा जी के नक्श कदम पे चल पाए, यही शक्ति दातार से दास मांगेगा कि हे प्रभु कृपा करना, कि शक्ति देना कि हम अपने सदगुरु के बताए मार्ग पे चल पाए, सदगुरु की शिक्षाओं को जीवन पे उतार पाए, और यही सबसे बड़ा हमारा समर्पण होगा, और यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन रंका जी।